नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक्सेल होम ट्यूटोरियल चैनल में। आज बात करेंगे हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं सारे टैब्स में, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस। नाउ स्लाइड शो के बारे में बात करेंगे। तो स्लाइड शो में सबसे पहला फंक्शन है कि आप स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, अब बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। अगर मैं आप स्केप क्लिक करूंगा तो वापस आप चले जाएंगे करंट स्लाइड, मतलब आप यहाँ पे हैं, करंट स्लाइड से आप शुरू करना चाहते हैं, आपका प्रेजेंटेशन आप शुरू कर सकते हैं। स्केप प्रेस कीजिए, वापस चले जाइए। आप इसको ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये फ्री सर्विस होता है, इसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ऑफिस। मैं नहीं चाहता हूँ ये सब करना तो, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है। ओके, क्योंकि फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा, कंप्यूटर बहुत स्लो है। कस्टम स्लाइड शो, आप कस्टम स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको स्लाइड 4 और 5 ही दिखेगा, उसके अलावा कोई भी स्लाइड नहीं दिखेगा। ये दो ही स्लाइड आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। मैं फिर से आपको यहाँ कस्टम स्लाइड शो ऐड करके दिखा देता हूँ। कस्टम शो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आप कौन सा स्लाइड ऐड करना चाहते हैं। नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे ऐड किया, ऐड पे क्लिक कीजिए, या फिर स्लाइड 7। ओके, इसको भी ऐड कर देता हूँ। ये दो ही स्लाइड है। कस्टम शो 2 इसके नाम आ गया है, शो कीजिए कस्टम शो 2। सो सिर्फ आपको पहला स्लाइड दिखेगा और उसके बाद लास्ट वाला स्लाइड दिखेगा 7। ओके, आप इस तरीके से भी कस्टम स्लाइड यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो आपको इस तरीके से, ये जो ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको कैसे प्रेजेंट करना है। आप प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए स्पीकर, फुल स्क्रीन, इंडिविजुअल, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, फुल स्क्रीन, कियोस्क। यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप, या फिर शो विदाउट नरेशन, शो विद एनिमेशन, शो विदाउट नरेशन, डिजेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स, या पेन का कलर, या फिर लेज़र लाइट का कलर कैसा होना चाहिए, वो सब यहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। सो स्लाइडर ऑल या फ्रॉम या कस्टम शो आप कोई भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी, कौन सा आपको स्लाइड सिर्फ दिखाना है वही दिखाएं, या फिर आप फ्रॉम करेंगे तो स्लाइड नंबर कितने से कितने तक आपको दिखाना है, या सारा दिखाना है। एडवांस स्लाइड में आप या तो मैनुअली या यूजिंग टाइमिंग, अगर आपने टाइमिंग सेट किया हुआ तो वह टाइमिंग यूज़ कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप यूज़ करंट रेजोल्यूशन ही रखेंगे, हमेशा यूज़ प्रेजेंटर व्यू ही रखेंगे। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सेटअप। उसके बाद हाइड स्लाइड, अगर मैं इस स्लाइड को हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा हाइड स्लाइड। अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए, तो जो सेकेंड स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अभी आप देखेंगे नंबर 3 आएगा, उसके बाद सीधा नंबर 3 यहाँ पर स्लाइड आपको दिख रहा है। ओके, नंबर 2 स्लाइड हाइड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लैश का निशान भी आ गया। इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिहर्स टाइमिंग। ओके, अगर आप रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं यहाँ से, कि कौन सा स्लाइड्स हो कितनी देर आपके यहाँ पे चलना चाहिए। रिज्यूम रिकॉर्डिंग, यस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड्स हो, नेक्स्ट स्लाइड्स हो, ये आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देते हैं। नो आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड। उसके बाद है रिकॉर्ड स्लाइड शो, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम करेंट, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आप चाहें तो ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरीके से, ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा, और वही सेम आप स्लाइड का टाइमिंग भी दे सकते हैं। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है ऑप्शन प्ले नरेशंस, इफ़ एनी ऑडियो इज़ देयर वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर चला सकते हैं इस तरीके से। जैसे इसके अंदर एक ऑडियो है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिकॉर्ड होता रहेगा। ये देखिए, तो वो आप प्ले नरेशन में क्लिक करेंगे तो वो चल जाएगा। अगर आपको टाइमिंग यूज़ करना है, टाइमिंग यूज़ पे क्लिक कीजिए। नहीं करना है सो मीडिया कंट्रोल, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये तीनों ऑप्शंस अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है मॉनिटर का। मॉनिटर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी या फिर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट करेंगे कि यूज़ प्रेजेंटर व्यू, मतलब जो प्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके से आपको ये आपका जो स्लाइड शो है, जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, वो देखना चाहिए। यही सिर्फ स्लाइड शो के अंदर आता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वही सब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।